पूरे देश में नवरात्रि पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी जगह माता रानी का पूजन के पश्चात भंडारे का कार्यक्रम किए जाते हैं। आज उसी क्रम में जबलपुर के बंगाली क्लब में बंगाली समाज द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई है, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि जबलपुर में भी पश्चिमी बंगाल की तर्ज में विगत कई वर्षों से पूजा की जाती है, जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं। ले लिया मैंने, रख लिया। आज महाअष्टमी और उसके बाद संधि पूजा और संधि पूजा के बाद नवमी की पूजा, तीनों पूजा एक के बाद एक होने हो रही है, जिसमें कि अष्टमी की पूजा तो सुबह हो गई है, उसके बाद संधि पूजा कहलाती है, बहुत महत्वपूर्ण पूजा होती है दोनों के बीच का समय, और उसके बाद अभी ये नवमी की पूजा हो रही है। उसके पश्चात माँ को, माता रानी को भोग चढ़ेगा, भोग चढ़ने के बाद आरती होगी और आरती के बाद पुष्पांजलि होगी और पुष्पांजलि के बाद पूरे भक्तजन भोग प्रसाद का ग्रहण करेंगे। ये कैसा उत्साह रहता है लोगों में? बहुत उत्साह रहता है बंगाली समाज के लिए, पूरे वर्ष भर का सबसे बड़ा त्यौहार कहलाता है, और षष्ठी के दिन से जो प्रारंभ होता है, तो षष्ठी फिर सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों चारों दिन पूरे बंगाली समाज के लोग सब पूरे सब परिवार आते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी के, उनको पुष्पांजलि देते हैं और उसके बाद वो बहुत आनंदित और उत्साह के साथ इसको बनाते हैं। इसका जो मुख्य रूप से कहावत है हम लोग में कि माँ दुर्गा अपने बच्चों के साथ मायके आती हैं, मायके आती हैं वो अपना छुट्टी मनाने के लिए, तो हम लोग भी पूरा छुट्टी लेके बंगाली समाज के लोग और अपने सब पूरे परिवार के साथ जो भी जा रहता है वो आता है, वो माता रानी की पूजा करता है और हम लोग पूरा आनंद के रूप में इस पूरे पर्व को मनाते हैं बंगाली समाज के। धन्यवाद। मैं दीपांकर बैनर्जी।